दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि मैं एक कंप्लेंट में आया था और यहाँ पे जब मैंने गेज लगाया तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो गेज का प्रेशर बता रहा है आपको, देख सकते हो ये 35 शो कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमारा एसी जो है वो लीकेज है। तो कैसे फाइंड करते हैं आज इस वीडियो में बताएंगे कि एसी का जो लीकेज होता है उसको फाइंड कैसे करते हैं और रिपेयरिंग कैसे करते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम यहाँ पे जो वॉल्स हैं ना वो पूरा चेक करेंगे, कहाँ कहाँ पे लीकेज का चांसेस होता है वो सब चीज़ आपको देखना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक ड्राई फिल्टर लगा हुआ है, तो ये ड्राई फिल्टर में देख सकते हो ये ऑयल नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लीकेज जो हमारा है यहीं के अंदर आसपास में ही होने वाला है। क्योंकि जहाँ पे भी लीकेज होता है दोस्तों वहाँ पे आयल ऑयल आपको दिख जाता है। तो जैसे कि देख रहे हो आप यहाँ पे पूरा पाइप सूखा हुआ है, लेकिन यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये ऑयल दिख रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो हमारा लीकेज है यही आसपास में ही है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, तो चेक कैसे करते हैं वो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लिक्विड लगाएंगे और स्पंज, लिक्विड जो है वो स्पंज के माध्यम से यहाँ पर लगाएंगे और चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे भी कैसे यहाँ पर लीकेज जो होता है वो दिखता कैसे है। यहाँ पर दोस्तों हमने लिक्विड और स्पंज बना लिया है और आपको भी इसी तरह से बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड में लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल है वो हमको दिख रहा था, क्योंकि हमने अंदर भी देखा आउटडोर के अंदर कंप्रेसर के पास तो वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन जो ड्राई फिल्टर लगा हुआ है देख सकते हो ओपन जगह में लगा हुआ है और ये डिस्चार्ज लाइन में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम अभी स्पंज लगा रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि ये जो लीकेज है बहुत ही बारीक है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस का प्रेशर आपको मैंने पहले दिखाया उसमें 35 प्रेशर शो कर रहा था, वो भी रनिंग कंडीशन में। जो बैक प्रेशर आता है वो हमारा 65-70 तक रहता है, 822 का गैस था ये मशीन है। और यहाँ पे जो लीकेज था वो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आधा से ज़्यादा गैस निकल चुका है, यानी 35 निकल चुका है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही माइनर लीकेज है। तो इसको हमको बहुत ही केयरफुली चेक करना होगा और आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा इसको फिक्स कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लीकेज खोज लिया तो उसको फिक्स कैसे करते हैं और ड्राई फिल्टर को चेंज कैसे करते हैं, तो वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो ध्यान से देखिए और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने दोनों साइड में, क्योंकि यहाँ पर फ्लेयर नट से ये टाइट होके लगा हुआ है और इसको हमको बहुत आसानी से नहीं बहुत ही ध्यान से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो लीकेज है वो बहुत ही माइनर है और बहुत ही कम में निकल रहा है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फिल्टर को थोड़ा सा लूज किया और यहाँ जो लीकेज है वो हमको फाइनली मिल चुका है। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है आपको जो लीकेज है वो दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि लीकेज हमको मिला कहाँ पे वो सब चीज़ आपको दिखाएंगे तो अच्छी बात है। तो जैसे कि ये देखिए ये जो ड्राई फिल्टर है उसको बीच में ये लीकेज हो गया है, अभी मैं आपको दिखेगा थोड़ा जूम करूँगा तो दिखेगा आपको। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही माइनर लीकेज है, यहाँ पर आप देखिए देखिए ये धीरे धीरे एक एक डॉट ऊपर बाहर निकल रहा है, यानी ये जो हमारा ड्राई फिल्टर था वो रस्टी हो गया था, ख़राब हो गया था और जंग लगने की वजह से, यानी हमारा इसका जो टाइम है वो पूरा हो गया था, इसके वजह से ये ख़राब हो गया था। तो यहाँ से ये लीकेज हुआ दोस्तों, क्योंकि जो ये ड्राई फिल्टर था और देखिए यहाँ से ये धीरे धीरे निकल रहा है। तो यानी जो भी प्रॉब्लम था हमारे ये ड्राई फिल्टर से था, लीकेज था, क्योंकि दोस्तों अगर मशीन गैस लीकेज होता है कोई सा भी मशीन तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऑयल ज़रूर मिल जाएगा। अगर ये मशीन थोड़ा लीकेज रहेगा यानी छोटा लीकेज रहेगा तो वहाँ पे ज़्यादा आपको ऑयल दिखेगा, अगर मशीन में बड़ा लीकेज रहेगा तो वो क्या होता है कि गैस जो है वो फटाफट निकल जाता है। तो यहाँ पे अभी हम इसको क्या करेंगे, खोल देंगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इस लीकेज को फिक्स करने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा टाइम मेरे को खोजने में लग गया, क्योंकि ये लीकेज मिल नहीं रहा था क्योंकि बहुत माइनर लीकेज था। लग तो रहा था कि ड्राई फिल्टर के अंदर ही है, लेकिन हमको लीकेज मिला नहीं कि लीकेज है कहाँ पर। फिर जब हमने इसको थोड़ा ढीला किया और जब नीचे का हिस्सा ऊपर आया फिर हमको दिखाई दिया कि जो लीकेज है वो ड्राई फिल्टर में ही है, क्योंकि यहाँ पे ड्राई फिल्टर हमारा ख़राब हो गया था जंग रख के और ये बहुत पुराना भी था। मेरे ख्याल से ये मशीन एक 10-12 साल हो गया है और इसके वजह से ये ड्राई फिल्टर हमारा ख़राब हो गया है और ये ड्राई फिल्टर देख सकते हो ये ख़राब हो गया। तो अभी देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर हमने दो फ्लेयर नट को खोल दिया है, ये 3/8 का ड्राई फिल्टर है
और ड्राई फिल्टर कैसे लगाते हैं नीचे वीडियो का लिंक दे दिया है मैंने, और इस वीडियो में भी मैं इसको चेंज करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो जैसा कि देखिए, ये ड्राई फिल्टर हमारा यहाँ पे लीकेज हो गया था, ख़राब हो गया था, यानी कहीं ना कहीं ये पुराना हो गया है। इसके वजह से ये जो अंदर से ये लीकेज हो गया और रस्टी हो गया, देख सकते हैं इसमें बहुत सारे डॉट डॉट बन गए हैं। तो यहाँ पर ये जंग लगने के वजह से, यानी पुराना होने की वजह से ये ख़राब हो गया और लीकेज हो गया। तो अभी हमारे पास नया वाला आ गया है और इसको मैं कैसे लगाऊंगा वो आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा 38 का ड्राई फिल्टर था और ये इसके वजह से ये लीकेज हो गया हमारा मशीन, और इसको अभी हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास फाइनली ड्राई फिल्टर हमने लगा दिया है दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता था इसके लिए मैंने यहाँ पे, और ये ड्राई फिल्टर का एरो ना, कभी भी आप लगाते हो तो ये इंडोर की साइड में रखना है, यानी जहाँ से गैस हमारा इंडोर की साइड में जाता है उस डायरेक्शन में आपको रखना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। और एरो पे ना आपको टेप मार के रख देना है, इन फ्यूचर अगर आपको ड्राई फिल्टर चेक करना है या चेंज करना है तो आपको पता चलेगा कि ये जो एरो है वो किस दिशा में है, क्योंकि कभी कभी उल्टा हो जाता है तो हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद होता है। तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान देना है, और बहुत सारे वीडियो के लिंक मैंने नीचे दे रखे हैं जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और नया कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे फाइनली देखिए, हमारा ड्राई फिल्टर हमने चेंज कर दिया, और ये सेम ड्राई फिल्टर लेके आए हमने, फ्लेयरनेट फ्लेयरिंग बना हुआ था, फ्लेयरनेट भी बिल्कुल सही था, तो हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। वैक्यूम करके मशीन को हमने गैस चार्जिंग कर दिया है। तो फाइनली दोस्तों, हमने यहाँ पर गैस चार्जिंग कर दिया है वैक्यूम करके, और हमारा यहाँ पर बैक प्रेशर अभी देख रहे हैं 50+ दिखा रहा है। तो अभी हमारा मशीन रनिंग कंडीशन में है, और अभी 1 से 2 मिनट हुआ है इसको चलने में, तो थोड़ा टाइम और चलेगा तो रिटर्न आएगा, और अगर थोड़ा गैस कमती रहेगा तो हम इसमें थोड़ा टॉपअप कर देंगे, यानी चार्ज कर देंगे, तो हमारा जो गैस है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न भी धीरे धीरे आ रहा है, और यहाँ पर रिटर्न जो देख सकते हो धीरे धीरे आ रहा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, तो लाइक करें, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारा वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। तो यहाँ पे फाइनली हमारा गैस चार्जिंग कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हमने गेज निकाल दिया, और अब हम इसका कैप टाइट कर देंगे ताकि इन फ्यूचर यहाँ से लीकेज ना हो। जो भी दोस्तों हमारा प्रॉब्लम था ये ड्राई फिल्टर के अंदर था, और वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।